कुत्ते मारूंगा मैं कुछ को भी उठा को नहीं अंजलि कहाँ से लाया तूने बच्चा? हाँ लेडी प्लीज कौन है? अब करता है इसको पानी। कुड़िया तू चुकिया की है बच्चा? ये बच्चा तेरा बच्चा है? मैं मेरी क्यों बना रहा हूँ? बच्चा तेरा है? तेरी की नहीं बनाई। तू आखिर नहीं सामने खड़ा होते? हेलो अंजलि। पहले ही बड़ा गन पाएगा। बंद करिए। जिस घर से आज सुबह बच्चे को बरामद किया गया है और दो महिला जिनको बताया जा रहा है कि वो किडनैपर हैं उस बच्चे की, जिन्होंने उसे किडनैप किया है, वो यही घर है। और यहाँ पर वो महिलाएं जो हैं रेंट पर रह रही थी, दोनों युवती जो हैं यहाँ पर रेंट पर रह रही थी। और मैं आपको ये बताऊं कि इसी के सामने जो है आर्मी की पोस्ट है, उन्होंने भी इससे भी मदद जो है पुलिस को मिली है। हालांकि हम वो आर्मी एरिया आपको नहीं दिखा सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, लेकिन ये मेन बीचों बीच घर है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत बड़ा मोहल्ला है मलिक मार्केट में, ये बिलाल कॉलोनी जो है ये रेजिडेंशियल एरिया है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी वजह से अब सोसाइटी के जो लोग हैं यहाँ पर, इस मोहल्ले के जो लोग हैं वो उनमें थोड़ा सा डर है कि आखिर हमारे मोहल्ले में अगर ये हो रहा है तो ये कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है, कल को हमारे बच्चों को भी जो है खतरा हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके भी, और यहाँ पर इनको इसी चीज़ का खतरा। हालांकि अभी ये लोग नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो इनका यही है कि आखिर हो क्या रहा है और कब से ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा ये है कि किराएदार अगर रह रहे हैं तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सर क्या नाम आपका? अब्दुर्रशीद खान है। हाँ सर, क्या कहेंगे आप ये जो अभी मामला हम, सामने हम ये कहेंगे कि ये बाहर से किराएदार हैं, न कि यहाँ के लोकल ये कोई इनमें से है। अलबत्ता इनको किराएदारों को मतलब मकान मालिकों भी उनको भी चाहिए सोच समझ के कौन किराएदार रखना है कौन नहीं रखना है, तो इनके लिए वेरिफिकेशन करनी चाहिए पुलिस स्टेशन से या बाकी किसी इदारे से। इसके अलावा यहाँ का है नहीं, ये बाहर के हैं किराएदार हैं, हम क्या जानते हैं इनको कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं। मतलब आपको लगता है अब ये खतरा बन गया आपके बच्चों के लिए? खतरा तो बन गया, खतरा तो बन गया। इसके लिए कम से कम कुछ कोशिश करनी चाहिए, पुलिस पार्टी वगैरह यहाँ से नज़र गुजर देनी चाहिए मैं बीच बीच में, तो और इनको भी इन्फॉर्म किया जाए ये जो मकान मालिक हैं कि देखो जी आपके घरों में कौन कौन किराएदार रह रहा है। ऐसे ना हो और भी कहीं मुश्किल, मतलब ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनके साथ हमें ज़्यादा वास्ता भी नहीं है, उनसे भी मतलब मुश्किल ही आएंगे कल, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। मतलब सही है इनका भी कहना कि शहरी लोग जो होते हैं उनको काफ़ी जो है दिक्कत होती है, और दूसरा ये कि डर ये है कि कल को हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा ना करे, उनको ना कोई इस तरह से अपहरण उनका कर ले, ये बड़ी एक सोचने वाली चीज़ है। नसीब जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये मामला सामने आया और यहाँ पर रेंट पर ये जो दो महिलाएँ रह रही थी जिन पर अपहरण का आरोप लगा है, क्या कहेंगे, किस तरह आप इस सारे मामले को देखते हैं? देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मलिक मार्केट जो बिलाल कॉलोनी में जो लोग हम लोग यहाँ जितने स्थानीय लोग रहते हैं ये सब लोग यहाँ मौजूद सारे खड़े हैं। एक तो क्लियर है कि ये यहाँ का कोई भी शख्स नहीं है जिसने बच्चे को कंडेप करके लाया है। अब गलती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं, इनका ऐसा कोई कारोबार नहीं है, सब लोग मुलाजमत नौकरी पेशा का काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो गलती है, गलती ये है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग, इवन के यहाँ नहीं पूरे जम्मू शहर में हम लोग रेंट पे देते हैं, हर कोई ना कोई रेंट पे देता है। इसी तरह से एक मकान हमारे साथ यहाँ पे है जिस जहाँ से ये बच्ची इन लड़कियों को पकड़ा गया, ये लोग यहाँ रेंट पे रहते थे। अब जो उनकी पहचान जो अभी तक सामने आई है, जैसे हम सोशल मीडिया और सब में देख रहे हैं कि उनकी पहचान आई है कि वो दोनों लड़कियाँ लोकल सांबा की हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सांबा की लड़की हैं, लेकिन किराएदार को ज़्यादातर ऐसा रहता कि हम पूछते नहीं हैं। एक गलती सबसे बड़ी हम सबकी है, हमें इस चीज़ को एडमिट भी करना चाहिए कि कोई भी किराएदार रेंट पे हमारे पास आए उसकी हमारे पास डिटेल होनी चाहिए। वो तो सारी चीज़ें जो मकान मालिक है वही बता पाएंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो कैसे क्यों रहते थे वो चीज़ें वो बताएंगे। हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो डर ये है कि अगर किसी बच्चे को, जैसे बता रहे हैं सोशल मीडिया में कल से चल रहा है कि चिची माता सांबा के अंदर वहाँ से बच्चे को उठा के लाए, लगभग ये बच्चा कोई 1.5 साल तक की, उसकी 1.5-2 साल का बच्चा है,
क्वेश्चन मार्क ये होता है कि अगर बच्चा चिची माता से उठा के हमारी यहाँ हमारे पड़ोस में रखा गया, हमें कोई मालूम नहीं क्योंकि कोई भी एक दूसरे को पूछता नहीं है, लेकिन डर जो हमें सता रहा है, जो पूरे मोहल्ले को जो डर सता रहा है कि अगर बच्चा वहाँ से उठा के यहाँ लाया जा सकता है तो हो सकता है कि हमारा बच्चा उठा के वहाँ लेके जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। तो डर हमें इस चीज़ का है कि जो भी किराएदार है उस किराएदार की हमें एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कौन किराएदार है, और मोहल्ले से भी हमारी रिक्वेस्ट है, सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी किराएदार हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, और इन लोगों की जो ये पुलिस ने भी कहा है इन्हें वेरिफिकेशन करवानी, जिन महिलाओं से बच्चा पकड़ा गया है एटलीस्ट इनकी इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसा ना हो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और वो कल आके फिर यहीं पर रह रहे। हमारी पूरे मोहल्ले ने, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके आज सामने आया हुआ है कि ये अब किराएदार यहां नहीं रहेंगे। अगर ये किराएदार रहेंगे तो हम इस चीज का विरोध करेंगे, हम इसकी मजम्मत करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोल रहे हैं, पुलिस को भी बोल रहे हैं, और मकान मालिक से भी अपील कर रहे हैं कि खासकर जो ऐसी महिलाएं हैं, हमारी और भी लड़कियां बच्चे डर पड़ा हुआ सब लोगों को, कि वो एटलीस्ट हमारे मोहल्ले में यहाँ किराएदार अब से नहीं रह सकते। ये सारे के सारे मौजूद लोग हमारे यहाँ सुनने में भी ये आ रहा है कि हमें जो इनपुट मिले हैं कि ये जो मकान मालिक हैं ये यहाँ पर रहते नहीं है कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि ज्यादातर लोग जो हैं, कुछ लोग बाहर से भी हैं हमारे लोग, तो सर्दी नौकरी मुलाजमत के सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग गर्मियों में यहाँ किराएदार रहते हैं ज़्यादातर, तो हमारे यहाँ जितने भी हम स्थानीय लोग हैं हम यहीं के रहने वाले हैं, कोई नहीं जाता, 12 महीने हम रहते हैं। कुछ एक घर हैं कि जिनके घर वाले वो लोग जाते हैं, एटलीस्ट उनको देखना चाहिए था कि अगर हमने किसी को किराए पे रखा है। आज सबसे बड़ी बदनामत हमारे मोहल्ले की हुई है, हमारी गली की हुई है, हमारे घर की हुई है कि बिलाल कॉलोनी के अंदर बच्चे को कंडेम किया, आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस देख रही है। लेकिन मैं पूरे लोगों को, सब लोगों को मीडिया के माध्यम से क्लियर कर दूं कि यहां बिलाल कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने उस बच्चे को नहीं कंडेम किया, बल्कि दो किराएदार लड़की हैं, दो किराए पे लगभग एक साल से रह रही थी, लेकिन हम क्योंकि किसी ने किराए पे रखा था, हमें 2-3 बार कई लोगों ने देखा भी है, आपस में मीटिंग्स भी की, शिकायत भी करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ऐसा रहता है कि जब तक खुद घर वाले को आपत्ति नहीं है तो हम लोग कर नहीं सकते। मतलब लेकिन इसमें पहले थोड़ा था कुछ ऐसे संदिग्ध, आपको लग रहा था कुछ ऐसा, ऐसा मोहल्ले में होता है, हम मोहल्ले में हमारी बहनें हैं, बच्ची हैं, माएं हैं, सब लोग हैं, यहाँ औरतें जाती हैं आती हैं, हमें डर रहता है क्योंकि हमारा मोहल्ला ऑलरेडी अच्छा साफ सुथरा है, यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आर्मी भी पास में, सब लोग सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है और डर भी इस चीज़ का है। हमारी रिक्वेस्ट भी है कि आइंदा जितने भी लोग, इसीलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि आइंदा ऐसे किराएदार को हमने नहीं रखना, और अगर ये दोबारा किराएदार यहाँ आती हैं हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, कंडेम्ड करेंगे, और हम प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी सबको कहते हैं कि ऐसे किराएदार हमें नहीं रखने, और हमारे यहाँ मोहल्ले की गली की हमारे यहाँ बदनामत होती है। जाहिर सी बात है कि मोहल्ले के लोगों को यही डर है कि यहाँ पर हमारे बच्चे भी हैं, कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, और दूसरा यह कि वेरिफिकेशन करवाना आज के दौर में बड़ा बेहद ज़रूरी है, और दूसरा ये सेंसिटिव इलाके हमारा जम्मू कश्मीर, आप सबको पता है कि एक सेंसिटिव सी यूटी है, यहाँ पर छोटी सी बात होती है तो पूरा फिर उसमें मोहल्ले के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ शुरू हो जाती है, तो उससे पहले ही आपको ज़रूर चाहिए। ठीक है, रेंट पर आजकल लोगों को आमदनी का एक ज़रिया है, वो उससे लोग करते हैं, रेंट पर देते हैं, लेकिन टीनेंट वेरिफिकेशन जो है लोगों को वो करवानी चाहिए। सर क्या मतलब आप कहेंगे कि आजकल, हालांकि अब शहर के लोगों को तो पता नहीं होता कि अब बगल के घर में कौन रह रहा है, क्या हो रहा है, कौन रह रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होती। सर हम यही कहेंगे गवर्नमेंट से भी, मैं पकड़ हाँ बोलिए, कि इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये जो फौज है इन्होंने भी हमें हेल्प की इसमें पकड़ने की। जी जी, ये अरसा 2 साल से मालके मकान के इधर रह रही हैं, इनकी जो चाल चलन ठीक नहीं है, हमने बड़ी बार बोलने की भी कोशिश की, बोला भी, जो मालके मकान है इस पर कोई भी वो टस से मस नहीं करता है, साफ और क्लियर बात है। सर हम शरीफ लोग हैं, बदनाम हो रहे हैं तो ज्यादा, हमें शहरी लोग हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप क्या है क्या नहीं, मले में गांव में तो सर हम एक दूसरे के पास जाते हैं, इधर तो हम मले में बाहर भी नहीं निकलते हैं। आपके माध्यम हम पुलिस डिपार्टमेंट को, हर महकमे को, यही डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसी कार्रवाई ना की जाए हमारे इस गली में, इस शहर में, जम्मू शहर में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पहले कभी हुआ ऐसे कोई ऐसे किराएदार, इस जैसे आज ऐसा मामला हुआ, इससे पहले कभी ऐसा कोई नहीं, कभी हुआ? नहीं, कोई नहीं था ऐसा, न होता तो हम आपके माध्यम हम बता देते, कोई नहीं था, ये पहली बार हुआ, फिर भी हमने इनको आपके माध्यम आज भी कह रहे हैं, पुलिस पे आई थी, उनको ले गए, अब उनको यहाँ छोड़ा ना जाए, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है, शुक्रिया सर। तो जाहिर सी बात है कि अब इनका यही विरोध। इमाम साहब मेरे साथ थे, क्या कहेंगे इमाम साहब जिस तरह से ये मामला सामने आया है यहाँ पर? ये जो मामला आया है सामने, हम इसकी मजम्मत करते हैं,
और हमने पहले भी यही कोशिश की थी, हमने इस कॉलोनी वालों से रिक्वेस्ट, मैंने बजात खुद एक जिम्मेदार होते हुए कहा था कि भाई यहाँ जो भी किराएदार रखा जाए, यहाँ की इंतजामिया कमेटी है, उस कमेटी के मतलब इल्म में होना चाहिए ये चीज़ें। तो ये जो हुआ है, हमें भी डर है कि कल हमारे बच्चे भी जाते हैं, हम आम लोग मुलाजमत पर कोई जाता है, कोई कहीं मजदूरी पर जाता है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो कल अगर कोई ऐसा मसला हो जाए, किसी का बच्चा चला जाए, तो बच्चे से ऊपर कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है, इंसान सारा कुछ बच्चों के लिए करता है। तो ये जो मामला हुआ है, हमें इसकी मजम्मत करता हूँ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है नोटिस लिया जाए कानूनी जरिए से, हर इखलाकी और समाजी हर तरीके से। आपकी बात ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि आप मॉल भी हैं मस्जिद के, तो आपकी बात ज़्यादा थोड़ी गौर भी की जाएगी मोहल्ले वालों से। तो क्या आपको लगता है कि अब जो भी अपने रेंट पर, हालांकि लोग करवा रहे हैं, वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं, पुलिस में दे रहे हैं कि हमने इतने लोग रखे हैं ये यहाँ से, आपको लगता है कि सभी को ये देना चाहिए? जी, सभी को देना चाहिए, सभी को जो है इसके वेरिफिकेशन जो है अपने महल्ले के इंतजामिया कमेटी के पास में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और हमारे जो मुतलका पुलिस थाना है उसमें भी होना चाहिए कि हमने कौन सा किराएदार रखा है। तो मैं इसके यही कहता हूँ। जी, तो जाहिर सी बात है ये वो घर है, मैं आपको बताऊँ कि, और लोगों में दहशत होनी ही है, इसलिए होनी है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर। नसीब जी, एक सवाल आपसे मैं एक सवाल करूँगा छोटा सा, मतलब आपको लगता है कि इस जो अभी ये वारदात जो सामने आई है, इससे लगता है आपको कि ये जो दो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, क्या ये पहले भी किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो, कुछ ऐसा लगता है आपको? देखो, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नहीं, वो मतलब तो, आपको कोई शक, देखो ऐसा शक ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है सांबा बहुत नज़दीक है, पहले तो उनकी ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो यहाँ किराए पे क्यों रहे, अगर किराए पे यहाँ रह रहे हैं, रेंट पे कोई रह रहा है, हाँ, जम्मू से जाहिर सी बात है कोई जम्मू से है, सांबा से है, और उनका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि इनका कारोबार क्या था, उस कारोबार के तहत ही जैसे वो बता रहे हैं अलग अलग सारी चीज़ों पर, बहुत नज़दीक है, अगर कारोबार के बाद ही उनका मालूम होगा कि इन लोगों का काम क्या था। इस चीज़ से ये मालूम होता है कि जो सांबा, जैसे वो अपनी पहचान बता रही हैं, सांबा बहुत नज़दीक है, जैसे उनका कहना कि सांबा में रहते हैं और यहाँ सांबा और इतना दूर नहीं है, यहाँ वो क्यों किराए पर रह रही थी, ये इस चीज़ की जाँच की ज़रूरत है, और वो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में ही है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि लोगों को ऐसा है, वो मोहल्ले के आपने अभी देख लिए, सारे के सारे लोग इस चीज़ से कंडेम्ड कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि एक बच्चों, ये भी है कि जो मकान मालिक है उनको भी अब इस पर सोचना होगा। देखो, मकान मालिक को तो क्लियर कट सोचना होगा, वो खुद रह नहीं रहे, आप लोगों के लिए यहाँ पे मसला बना दिया। मसला मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मसला इसी चीज का है कि अगर जो मकान मालिक है, मकान मालिक से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि मेरा बच्चा जो बाहर निकलेगा वो कैसे सेफ है, कैसे सेफ है, अगर बाहर से बच्चा उठा के यहाँ जो महिलाएं पिछले 2 साल से आपके पास यहाँ रह रही थी, उन्हीं महिलाओं को पकड़ा गया, सुबह पुलिस ने ली, आप सब लोगों ने उनके विजुअल भी देखे, अगर मेरा बच्चा सुबह बाहर निकलेगा, मोहल्ले का बच्चा निकलेगा, अगर सांबा से उठा के, चिची माता से बच्चा उठा के यहाँ लाया सकता है, तो मेरा बच्चा भी यहाँ से उठा के वहाँ लिया जा सकता है। मकान मालिक हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ रहता है, उसको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा उससे भी सवाल है कि मेरे बच्चे को जब कोई उठा के लेके जाएगा उस वक्त वो क्या करेगा, उसका वो जवाब अगर दे दे तो हमें उस चीज़ को है। चलिए, शुक्रिया। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये वो घर है जिसमें पुलिस ने सुबह जो है दबिश दी, और मैं आपको बताऊं कि SSP जो है चंदन कोहली, उनके निर्देश पर फिर जो यहाँ के बठिंडी पुलिस पोस्ट के जो चौकी अफसर हैं, जो इंचार्ज हैं शब्बीर कोहली, वो पूरी रात से, हमें पता चला कि ये स्थानीय लोग ही बता रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे, इन्हीं की मदद से उन्होंने ये लोकेशन ट्रेस की है, और इन्हीं लोगों ने बताया कि हाँ जी यहाँ पर कुछ 2 लड़कियाँ रहती हैं जिन पर हमें शक है। उसके बाद ही शब्बीर कोहली जो है वो इस अपनी टीम के साथ, जो टीम गठित की गई थी, वो इस टीम के साथ यहाँ पहुँचे, और उन्होंने यहाँ पर जब दबिश दी तो उनको यहाँ से दो महिलाएँ, अपहरणकर्ता दो महिलाएँ जो हैं वो मिली हैं, और बच्चा भी यहीं से बरामद हुआ है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बच्चे के जो हैं वो बाल भी काट दिए हुए हैं, उस बच्चे को, क्योंकि उसके कल बाल थे, आज उसके बाल काट दिए खुद, और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन महिलाओं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन महिलाओं ने ये स्वीकार किया है कि वो बच्चा चिची माता से अपने साथ लेकर आई थी। अब सवाल ये है कि ये पहले से इस तरह से कोई नेक्सस चल रहा है, और कौन कौन, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति का भी नाम लिया है, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्या कोई इसमें कोई गैंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं जांच का विषय है। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, रिहाई, ये जो शहरी इलाके होते हैं, यहाँ पर एक घर को दूसरे घर का नहीं पता होता कौन क्या है, इसीलिए इनमें आज डर है, ये लोग नमाज़ पढ़ के अभी यहाँ पर पहुँचे जी, इसीलिए इन लोगों में गुस्सा है। और ये भी क्या, इनकी गुजारिश भी है
कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों को जो है रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, मैं आप फिर से कहूँगा, अगर आप अपने घर में कोई किराएदार रखते हैं तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करिए और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है उसकी उसका रिकॉर्ड जो है टीनेंट वेरिफिकेशन वाले फॉर्म पर भर के उसका दे दीजिए, ताकि यहाँ पर आगे या हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे अनासर लोग ना आ जाएं, ऐसे जो शातिर लोग हैं वो ना आकर बस जाएं, ताकि कल को हमें कोई नुकसान हो। फिलहाल देखते रहे जम्मू से बात। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.